एक रात के दुल्हन शादी करती हैं अगले दिन जेवर और पैसे लेके फरार हो जाती हैं ऐसे कई मामले अखबारों में आए तो क्या आयोग के पास भी इस तरह की कोई शिकायतें पहुंची करनाल में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट मामला रहा जिसमें कि दोनों वो एंड ब्राइड दोनों पढ़े लिखे एकदम गवर्नमेंट यू नो में लगे हुए हैं एक साइंटिस्ट हैं दूसरी यहाँ पे लीगल एडवाइजर शिक्षा विभाग में लगे हुए हैं और रात को एक बजे बहुत ड्रामेटिकली उन्होंने फॉर्चूनर की और बीस लाख रुपये की डिमांड करी और शादी उनकी नहीं हो पाई टूट गई लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हुई वो एक उससे बुरा किसी भी, भी महिला किसी भी लड़की के साथ नहीं हो सकता ना ओपिनियन आपको रखें बट उस ओपिनियन को इतना वायरल ना करें इतना आप स्ट्रांगली ना बोलें कि एक इंसान की ज़िंदगी को में मतलब वो डिप्रेशन में ही आ जाए जैसे कि उस बच्ची के साथ हुआ उस लड़की के साथ हुआ जिसकी शादी एक तो टूट गई उसके बाद से वो उसको पूरी पब्लिक के साथ उसकी थू थू कर रही है सो दैट वॉज नॉट ट्राई नमस्कार पंजाब केसरी में आपका स्वागत है मैं हूं बलवंत तक्षक ज़रूरी नहीं है कि महिला उत्पीड़न की जितनी भी शिकायतें आयोग के पास आती हैं वो सच्ची हों ऐसा एक मामला सामने आया था जब एक महिला ने एक साल के भीतर सात अलग अलग पुलिस थानों में सात लोगों के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई महिलाओं की सुरक्षा झूठी शिकायतें और उन पर आयोग की कार्रवाई इस मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष प्रीति भारद्वाज दलाल मैम आपका स्वागत है पंजाब के श्री में नमस्कार आपका स्वागत है आयोग में अभी एक मामला आयोग के सामने आया था कि एक महिला ने एक साल के भीतर सात लोगों के खिलाफ अलग अलग थानों में दुष्कर्म की शिकायतें दर्ज कराई आपने उसका संज्ञान भी लिया जी। आपको कैसे लगा कि ये मामला संदिग्ध है देखिए ऐसा होता है कि व्हेन यू सी द फैक्ट्स कि किस किस कि, किस महिला ने क्या किया है एक हमारे पास एक गुड़गांव के ही एक एक्टिविस्ट एक एक हैं और वो मीडिया पर्सन भी हैं दीपिका नारायण करके उनका फ़ोन आया था एंड उन्होंने बताया कि मैम आप पुरुषों के लिए ही भी कुछ करती हैं या सिर्फ महिला आयोग में ही महिलाओं के लिए ही कार्रवाई होती है तो उनसे मामला पूछा तो उन्होंने बताया कि मैम इतना इम्पोर्टेंट इतना आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसी ऐसी भी वारदात हो सकती हैं सो एक ट्वेंटीज़ uh, में यहाँ ट्वेंटीज़ ओनली ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ईयर्स की आई थिंक वो लड़की है और uh, गुरुग्राम के uh, सात अलग अलग यू you नो know, पुलिस थानों में सात अलग अलग पुरुषों के ख़िलाफ़ सात अलग अलग एफ़ दर्ज कराई गई थी सो so, बहुत ही एक डिफ़िकल्ट सा लगता है सुनने में कि आप एक महिला है और वो भी इतनी यंग और एक साल के भीतर चलो एक पुरुष अगर आपका उत्पीड़न कर रहा है तो वो समझा जा सकता है लेकिन सात अलग अलग पुरुषों ने एक ही डिस्ट्रिक्ट में और अलग अलग थानों में आप कंप्लेन कर रहे हो सो इट इज़ नॉट अ समथिंग जो एक आपके गले नहीं उतरती वो चीज़ तो उसको जानते मानते समझते हुए हमने होम मिनिस्टर साहब को विद साहब को लिखा और इसकी जो हमने कॉपी सर को बताया कि इस प्रकार से सर को भी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी होए मैंने कहा सर इसके ऊपर इंक्वायरी की जाए और एक एस बनाई जाए और एस आई टी दैट शुड बी हेडेड बाई अ वेमेन ओनली बिकॉज़ एक महिला से बिकॉज हमें भी नहीं पता कि मामला है क्या बिकॉज इतने सेंसिटिव मामले हैं तो आज आपको मैं ये बताना चाह रही थी कि हमारे लिए एक थोड़ी सी जिसको कहते हैं कि एक संतोष की खबर है कि आ, हरियाणा uh, पुलिस ने डीजीपी साहब ने एक कमेटी uh, कॉन्स्टिट्यूट करी है और उस कमेटी में uh, एक आईपीएस ऑफिसर हु ऑफिसर हुई वुमेन एक एसीपी एक लेडी इंस्पेक्टर और दो एनजीओ के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ इस एसआईटी का गठन हुआ है uh. और uh, हमें आशा है कि जल्द से जल्द इसकी जो हमने डे टू डे मतलब कि इसकी रिपोर्ट जो है फ़िफ्टीन uh, डेज़ में ट्वेंटी डेज़ में हमारे को इसकी कार्यवाही जो होगी उसकी रिपोर्ट हमारे को मिलेगी तो आपने जो बताया कि एक हफ्ते में आयोग को पुलिस की तरफ से कार्रवाई की रिपोर्ट मिल जाएगी तो ऐसे दुष्कर्म के झूठे और हनी ट्रैप के और कितने मामले आयोग के सामने आए देखिए आयोग के पास हर नेचर ऑफ क्राइम की कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं अगर आप जैसे हनी ट्रैप के बारे में बताएंगे तो आप लोगों के माध्यम से ही हम लोगों को काफ़ी इंफॉर्मेशन आप लोगों के माध्यम से ही मिलती है और उसके ऊपर हम वोटो लेते हैं सो so, आयोग के पास जो टिपिकल हनी ट्रैप की कंप्लेंट अगर आप कहें सो बेसिकली इट इज़ ये ऐसा मुद्दा है कि हनी ट्रैपिंग इज़ जो कि बहुत एक पोजीशन में है पावर में है पुरुष और उनके खिलाफ मतलब किस प्रकार से महिलाएं उनको जाल में फंसाकर उनको यू नो ब्लैकमेल करती हैं सो so, एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है आयोग के पास आ, आ, बहुत इम्पोर्टेंटली काफ़ी हाई प्रोफाइल चार पांच केसेस हैं हम लोगों के पास एंड उसके ऊपर हम लोगों ने कार्रवाई भी की है और बिकॉज दीज आर सेंसिटिव मैटर्स ऑब्वियसली वी कैन नॉट हम यहाँ पर आपके सड्डे नहीं का सकते बट hmm. हाँ अदरवाइज ऑल्सो काफ़ी कंप्लेन बिजनेसमैंस के खिलाफ बहुत सारी आती हैं hmm. जहाँ पर इस तरीके के मामले uh, यू नो डे टू डे इट्स इट्स अ पार्ट एंड प्रोसेस ऑफ द कमीशन देन काफ़ी मामलों में आई वुड जस्ट से पांच छः छः मामलों में जिसमें महिलाओं ने इस प्रकार से किया है हमने एस आई टी ये तो एक uh, रेप वाला जो मुद्दा हुआ आपको बताया अदरवाइज एज़ वेल कि महिलाओं ने किस प्रकार से यदि वो uh, एक अभद्रता के साथ तो यदि वो बिहेव करती हैं सो so, जैसे पुलिस के साथ भी सो कई बार जाते हैं हम थाने में बहुत रूडली uh, बात करना अप, अपनी अथॉरिटी दिखाना नॉट अथॉरिटी अथॉरिटी एज अ वेमेन सो विच इज़ ऑल्सो नॉट राइट आप कहीं पर गए हैं और आपको वीडियो खींच के भेज रहे हैं उसको वायरल करने की कोशिश कर रहे हैं hmm. तो रिसेंटली हमने गुरुग्राम में ही एक साइबर क्राइम थाने में एक वाक्य हुआ था जहां पर एक महिला ने पुलिस के साथ पुलिस तीन चार पुलिस वाले थे एक बहुत अभद्रता के साथ उनके साथ बात करती हुई वो दिख रही हैं और उन्हीं की कंप्लेंट में हमने कार्रवाई की तो हमने उनको बुलाया आयोग में और उन्होंने आयोग में इवन हमारे साथ भी उन्होंने कुछ इस प्रकार से हमारे साथ वाक़ हुआ तो हम लोगों ने समझा कि हाँ हो सकता है कुछ और इशू हो तो उसके ऊपर भी हमने एक एस आई बैठाई थी और यू नो वी आर वर्किंग ऑन दैट कर रहे हैं तो ये समय समय पर हर प्रकार के मामले आते हैं बट ऐसा नहीं है uh, ये एक एक्सेप्शनल केसेज है इट्स नॉट लाइक दैट के सभी महिलाओं के साथ इट्स लाइक like, uh, जितनी अवेयरनेस आ रही है उतना यू नो कम्प्लेन्ट्स भी आ रही हैं और जितनी कम्प्लेन्ट्स आ रही हैं तो उसमें सौ में से कुछ कम्प्लेंट्स ऐसी भी होती हैं जहाँ पे कि यू नो मिसयूज़ भी देखने को मिलता है जी अच्छा अखबारों में पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी ऐसी खबरें पढ़ने को मिली हैं कि एक रात के दुल्हन शादी करती हैं अगले दिन जेवर और पैसे लेके फरार हो जाती हैं ऐसे कई मामले अखबारों में आए तो क्या आयोग के पास भी इस तरह की कोई शिकायतें पहुँची देखिए इस प्रकार की शिकायत आयोग में आ, तो नहीं पहुँची है बट हाँ सोशल मीडिया के माध्यम से हमने इस प्रकार से सुना है करनाल में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट मामला रहा जिसमें कि दोनों यू नो ग्रूम एंड ब्राइड दोनों पढ़े लिखे एकदम गवर्नमेंट यू नो में लगे हुए हैं एक साइंटिस्ट हैं दूसरी यहाँ पे लीगल एडवाइजर शिक्षा विभाग में लगे हुए हैं और रात को एक बजे बहुत ड्रामेटिकली उन्होंने फॉर्चूनर की और बीस लाख रुपए की डिमांड करी और शादी उनकी नहीं हो पाई टूट गई और जैसे ही पुलिस को में उन्होंने इतला एक कही एकदम से वो शादी करने के लिए तैयार हो गए अभी आयोग ने इसमें संज्ञान लिया वहाँ पर हमने दोनों पार्टीज को से बात हुई बताया उन्होंने रिकॉर्डिंग्स बताएं सुनाई और एक आप लोगों के माध्यम से ही मैं एक चीज़ यू uh, नो you know, आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और अपने व्यूअर्स के साथ भी ये बताना चाहती हूँ कि जब भी हम किसी भी चीज़ को हम देखते हैं आई थिंक हम आपको बहुत ही गहनता के साथ उसको हमें मंथन करना बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज़ वी शुड नॉट फॉर्म एन ओपिनियन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन थिंग्स कि आपने एक कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग सुनी या देखी और उसके ऊपर से आप किसी के लिए भी आप एक व्यू या फिर ओपिनियन बना लेते हैं चाहे वो मैं हूँ या वो कोई लड़की है या वो लड़का है सो लेट द इन्वेस्टिगेशन शुड हैपन फर्स्ट हम लोग जाते हैं तो हमारा काम यही रहता है कि जो सच्चाई है वो सामने आए फेयर ट्रायल हो और ट्रायल स्पीडी हो तो इन के साथ और इस सोच के साथ आयोग काम करता है सो so, तीन दिन के बाद दैट वाज द थर्ड डे जैसे आज वाक हुआ है एक दिन छोड़ के तीसरे दिन एक इसको कहते हैं कि अब राहत देने वाली एक खबर ये मिली कि उस लड़के के अंदर इतनी जमीर उसका अच्छा था कि उसने आ, उस लड़की के साथ ही नहीं किसी और के साथ ही नहीं बल्कि पूरे देश से उसने माफ़ी मांगी है कि हाँ ऐसा हुआ था और उसने सबकी भावनाओं को उसने ठेस पहुंचाई है सो so, मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगी देखिए लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हुई वो ए, एक उससे बुरा किसी भी महिला किसी भी लड़की के साथ नहीं हो सकता लेकिन उस लड़के ने भी जो आगे बढ़ के पूरे देश के साथ एक ओनस लिया कि ऐसा हुआ था वाकई सो so, वो भी एक काबिल तारीफ चीज़ है मैं आई वॉन्ट टू ऑल्सो शेयर दैट सो उस लड़के से भी ये सबक लेना चाहिए कि आज से तीन दिन पहले क्या वो बोल रहे थे आज से तीन दिन बाद जब उन्होंने इस चीज़ की माफ़ी मांगी है जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई है सो सो अपना ओपिनियन आपको रखें बट उस ओपिनियन को इतना वायरल ना करें इतना uh, आप स्ट्रॉन्गली ना बोलें कि एक इंसान की जिंदगी को में मतलब वो डिप्रेशन में ही आ जाए जैसे कि उस बच्ची के साथ हुआ उस लड़की के साथ हुआ जिसकी शादी एक तो टूट गई उसके बाद से वो उसको पूरी पब्लिक के साथ उसकी थू थू कर रही है सो दैट वॉज नॉट राइट आई दट आई फील इनफैक्ट मुझे भी बहुत ट्रोल किया गया ये आप करनाल वाली शादी का जिक्र कर रही हैं जिसमें क्रेटा और बीस लाख रुपए की मांग की गई थी क्रेटा और बीस लाख रुपए ये तो फॉर्चूनर और बीस लाख रुपए थे क्रेटा वाला मामला जो था वो महेंद्रगढ़ का था आई थिंक एंड उसमें वो भी uh, गवर्नमेंट में कार्यरत uh, uh, हैं और uh, और भी बहुत सारे मामले आए हैं लेकिन यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ऐसे ऐसे हमारे इतने अच्छे इतने सुसंस्कृत इतने यू uh, नो you know, अच्छे विचार रखने वाले uh, पुरुष हैं लड़के हैं कि जिनकी फैमिलीज इतनी अच्छी हैं जिन्होंने इक्यावन uh, हजार या लाख नहीं लेके उन्होंने इक्यावन पौधे लिए हैं या एक एक रुपया लिया है और तब उन्होंने अपनी बिटिया को अपनी ऐसे महारानी की तरह लेकर गए ऐसे ऐसे मामले आए हैं जहाँ पे कि लड़का ने एक रुपया लेकर लड़की को हेलीकॉप्टर में लेने के लिए अपनी दुल्हन बनाने के लिए लेकर आया है so, सो यहाँ पर आप देखिए सो so, जो लड़का एक हेलीकॉप्टर में ले के आने के लिए आ सकता है तो उसको कोई जिस परिवार में का वो दमाद बना है क्या उनको देने की नहीं रही होगी कि वहाँ मम भी डट यू हैव टू मेक श्योर कि आप समाज में क्या बदलाव लाना चाहते हैं तो एक हम तो ये हमने आयोग में आपके माध्यम से अभी हम यही बात कर रहे थे कि डोवरी के बारे में बिकॉज शादी का मौसम है और जनवरी में भी फरवरी में मार्च तक शादियाँ चलेंगी तो आप सभी से प्रार्थना है कि दुल्हन को ही दहेज समझे बहुत बड़ी चीज़ है आजकल कोई भी लड़की ऐसी नहीं है वो आपका परिवार आगे जीवन में संभालेगी आपके घर की बहू बनकर आएगी आपके आने वाली जनरेशन्स को बढ़ाएगी प्रोजनी बढ़ाएगी और एक बहू बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती है आई थिंक वही आ जाए और वही दहेज के रूप में आप स्वीकार करें आप सभी लोगों से यही प्रार्थना है मैम खबरें तो ऐसी भी आई कि एक दूल्हा अपने दुल्हन को मोटरसाइकिल पर बैठा के ले आया जी। एक खबर ये भी आई कि जो शादी की तो आठवां फेरा लिया जी। और पति पत्नी ने यह संकल्प लिया कि हम अंगदान करेंगे जी। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो विधुर हैं या बड़ी उम्र के हैं जिनकी किसी वजह से शादी नहीं हो पाई जी। उनको जो ने लूट ले जाती हैं एक ही रात में अच्छा। वो पुरुष किसके पास शिकायत करें क्योंकि कोई पुरुष आयोग तो है नहीं देखिए इसमें ऐसी कोई आपको मन छोटा करने वाली बात नहीं है नहीं। कि पुरुष आयोग नहीं है इसको आप इश्यू भी ना बनाएं बिकॉज ऐसा नहीं है कि महिला आयोग में पुरुष आयोग की कंप्लेन नहीं आती नहीं। हमारे पास कंप्लेन आती हैं यदि पुरुष है उनके साथ यदि किसी प्रकार की प्रताड़ना हुई है या किसी प्रकार से महिलाओं ने किसी प्रकार से उनको बैकफुट पर मे बी मिस हुआ है लौका जैसा वो वो समझते हैं तो उनकी फैमिलीज़ की तरफ से या फिर उनकी बहन है या उनकी माँ है उनकी तरफ से भी आयोग में कंप्लेंट्स आती हैं ऐसा नहीं है सो so, और हम लोग उसके ऊपर भी कार्रवाई होती है और जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया कि हमने इट इज़ नॉट ओनली लाइक दैट कि हम सिर्फ महिलाओं की की मदद करते हैं और पुरुषों की मुखालफत करते हैं ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर ऐसा कोई मामला आता है तो हम उसके साथ भी तत्परता तर, तर, के साथ हम पुरुषों की भी मदद करते हैं और पुरुष आयोग की ज़रूरत अभी है नहीं वैसे तो ये थी हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष प्रीति भारद्वाज दलाल जिन्होंने कहा कि महिलाओं को अपराध से बचाने के लिए वो एक जागरूकता अभियान भी चला रही पंजाब केसरी के लिए कैमरामैन अमित वालिया के साथ बलवंत तक्षक चंडीगढ़